pocket? Raj! 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 ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला गया। इससे बात करना भी इतना जरूरी है? फोन करके पूछ लेती कहाँ है। कमाल है, ये लड़का फोन कमरे में ही छोड़कर चला गया, लेकिन ये फोन बच कहाँ रहा है? हेलो, कहिए मिसेस मल्होत्रा, क्यों नहीं आऊंगी, बल्कि आपसे पहले पहुंच जाऊंगी। अरे भैया, ऐसे सेल रोज रोज थोड़े लगते हैं। ओके बाय। हे भगवान, बचा ले मुझे। ये काम कहा था, वो तो कर दिया होता। रब्बा भाभी, आप उधर क्या देख रही हो तुम? वो मैं बिट्टो यहाँ पर आई थी। हाँ। क्या? ओ, मेरा मतलब है कि आई थी। नहीं आई थी वो। दरअसल मुझे बिट्टो के पास जाना था और मैं राज के पीछे पीछे यहाँ आ गई। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, इसीलिए तुम्हें मना करती थी कि उस गवार के साथ मत रहो। तुमने भी शुरू कर दी ना बेवकूफी उसकी तरह। कितनी मुश्किल से तुझे ट्रेन किया था मैंने विम्मी, और उस गवार ने तुझे 2 दिन में पहले की तरह बना दिया। अब हमें ताको मत, जाओ, मुझे रात से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? नहीं कुछ नहीं, जा रही हूँ। क्या बात है मॉम, आपको मुझसे जरूरी क्या बात करनी है? बेटा, एक जरूरी बात है। बिट्टो पुत्र जी, ये बिट्टो कहाँ चली गई? पता नहीं लॉकेट उसे मिला भी या नहीं। पापा। यार,
क्या मेरे प्यारे से पापा मुझे ये बात बताएंगे कि वो इतने उदास उदास से क्यों है? मैं और उदास? Of course not. अरे मेरी बिटिया के चेहरे पे इतनी खुशी है तो फिर मेरे चेहरे पे उदासी कैसे हो सकती है? वो तो करेक्ट है, लेकिन पापा आजकल इस घर में मेरी जगह किसी और ने ले ली है. किसने? भाभी ने. अरे नहीं, तू तो मेरी सबसे प्यारी बिटिया. Promise? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पापा अपनी सारी बातें और अपने सारे सीक्रेट मुझसे शेयर कर सकते हैं. और अब तो पापा मैं बड़ी भी हो गई हूँ. See, look at me. Really? देखो, 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 देखो. हाँ, really? तो बड़ी हो गई. अब जब तुम बड़ी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी शादी कर. पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि आप मेरी शादी कर दें. और वैसे भी ये क्या पापा, भाभी घर में आई नहीं कि आप सब लोगों ने मिलकर मुझे इस घर से भगाने की तैयारी भी शुरू कर दी. वेरी बैड. नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि ये शुभ काम भी मेरे जीते जी हो जाए तो अच्छा है ना. पापा कैसी बातें करते हो. वेल पापा, एक काम करते हैं, हम ये जिम्मेदारी भी रोहन भैया को दे देते हैं. देखिए ना, उन्होंने अपने लिए कितनी अच्छी लाइफ पार्टनर चुनी है. समझार, मेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का तो चुन ही लेंगे. Brilliant idea. After all, रिया कपूर की शादी है. अच्छा सुनो, मैं रोहन से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लंगड़ा लूला ढूंढे. पापा, not कह रहा. Cheating. Love you, पापा. I love you too, बेटा. लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता मॉम, और कम से कम आपने मुझसे पूछ तो लिया होता. इसमें पूछना क्या है बेटा, मैंने थोड़ी तुम्हारी शादी तय कर दी है, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ. आप जल्दबाजी क्यों कर रही हैं मॉम, और फिर अभी तो भाई की तबीयत भी ठीक नहीं है. रोहन की वजह से ही तो मैं इतनी टेंस्ड हूँ. डर लगता है मुझे कहीं तुम भी उसके कदमों पर चल पड़े और किसी देहाती गवार को इस घर की बहू बनाकर ले आए तो. प्लीज मॉम, ना ही तो वो इस घर की बहू है और ना ही भाई की बीवी बनने लायक. मैं भी कहां मानती हूं ये, लेकिन ये बात तुम्हारे डियर डैडी को कौन समझाए. अगर उस गवार के खिलाफ एक शब्द भी कहो तो वो काटने को दौड़ते. तुम नहीं जानते राज, उस गवार की वजह से मुझे कितनी इंसल्ट सहन करनी पड़ रही है. घर में, क्लब में, हर जगह रोहन ने तो जो किया सो किया, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि तुम भी कुछ ऐसा करो. बस इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी मेरी पसंद से हो, किसी ऊंचे खानदान की लड़की से. ठीक है मॉम, मैं वही शादी करूंगा जहां आप चाहती हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है. मैं जो भी कुछ करूंगा भाई के ठीक हो जाने के बाद करूंगा. नाउ दैट्स लाइक माई सन. यही फर्क होता है माँ कहने में और माँ समझने में. अब मैं दिखाऊंगी उस दो टके की देहाती गवार को कि इस घर की बहू कैसी होनी चाहिए. बेटो, एक ऐसी बहू है जैसी इस घर को चाहिए. बेटा, वो इस घर को जोड़ सकती है, संवार सकती है, इस खाली खाली घर को खुशियों से भर सकती है, इस परिवार में हर किसी को रिश्ते की पहचान करा सकती है. क्या हुआ अगर वो एक अमीर घर से नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है. मेरी नजर में तो बेटा गरीब वो है जो अपनों के बीच में भी अकेला है. और बेटो, वो तो सर्वगुण संपन्न है बेटा. ठीक कह रहे हैं पापा. बेटो भाभी कितनी भोली है, एकदम सीधी सादी सी, किसी बात का बुरा नहीं मानती. शायद उनकी जगह कोई और होता तो मॉम के ताने सहन ही नहीं कर पाते. पता है, भाभी को तो देख के ही लगता है कि बहुत जल्द वो मॉम के दिल में अपनी जगह बना लेंगे. थैंक गॉड, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से एक बहुत ही बड़ा टेंशन कम हो गया है. थैंक यू बेटा. तो कम ऑन मॉम, चल अब आप रिलैक्स है ना. हाँ, दैट्स गुड. और हाँ राज, अभी जो मैंने तुमसे बात की है वो तुम प्लीज अपने डियर डैडी से मत करना.
यू नो हिम राइट, वो खामखा अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दे और अगर कहीं उस गवार से इंस्पायर हो गए तो तुम्हारे लिए भी वैसे ही बहू ढूंढना शुरू कर दे। नो वे मॉम, डैड भले ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को पहचान ना पाए लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो लड़की जरूर कोई ना कोई जादू टोना कर रही तुम्हारे डैड, तभी तो आजकल इतने बदले बदले से रहते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लॉकेट किसका है? इतना ओल्ड फैशन लॉकेट तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो मजाक कर रही हूँ मॉम, ये तो उस बिट्टो का है। सही कह रहे हो तुम, ये इतना ओल्ड फैशन लॉकेट उस गवार का ही हो सकता है। तुम्हें पता है राज, पहले के लोग इस तरह के लॉकेट में अपने पति पत्नी या प्रेमिकाओं की तस्वीर रखा करते। How stupid that was. लेकिन ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे है? वो मॉम, बिट्टो और डैड से थोड़ा झगड़ा हो गया था, उस वक्त मेरे हाथ में था, ख्याल नहीं रहा और यहाँ आ गया। लाइए मैं उसको लाके दे दिया। नहीं, तुम उस लड़की से दूर रहो उतना ही अच्छा है। वो लड़की जादू टोना जानती है। ये लॉकेट मैं ही उसे दे दूंगी और कहूंगी कि ऐसी सड़ी हुई घटिया चीजें इस घर में दोबारा नहीं मिलेंगी। मॉम ने तो कह दिया कि उससे दूर रहो, लेकिन मैं उससे तब तक दूर नहीं रहूंगा जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल देता। बस एक सबूत मिल जाए, मैं साबित कर दूंगा कि वो मेरे भाई की बीवी तो हो ही नहीं सकती। और मॉम ने कहा था कि वो लॉकेट में पति। तुम्हें पता है राज, पहले के लोग इस तरह के लॉकेट में अपने पति पत्नी या प्रेमिकाओं की तस्वीरें रखते थे। अगर उस लॉकेट में भाई की और उसकी तस्वीर है तो इसका मतलब वो पति पत्नी है, और नहीं तो नो। सबूत मेरे सामने था और मैं जो आप मेरे रूम से लॉकेट लाई थी वो कहाँ रखा है आपने? तुम्हें उसका क्या काम है? और मैंने तुमसे कहा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो लॉकेट कहाँ है ये बताइए। वहाँ टेबल पर। ये खाली कैसे? बिट्टू का फोटो है लेकिन उसके पति या किसी और का क्यों नहीं? क्या बात हो सकती है?
क्या हुआ राज? अरे राज हुआ क्या है लेकिन? कुछ नहीं मॉम, आके बताता हूँ। रब का लाख लाख शुक्र है कि वक्त रहते मैं इस फोटो को निकाल पाई हूँ, लेकिन अब मैं इस फोटो का करूँ क्या? बिट्टो को दे देती हूँ। नहीं नहीं, अगर ये फोटो इस घर में रही तो दोबारा मुसीबत आ सकती है, कहीं राज के हाथ दोबारा लग गया तो। रिया, चाची कहाँ है? चाची तो वहां किचन की तरफ गई हैं। क्यों? कुछ नहीं। ये ठीक रहेगा, इसे मैं जला ही देती हूँ, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर बिट्टू को बुरा लगा तो, लेकिन इस वक्त इस फोटो के इस घर में रहने से सबको परेशानी हो सकती है। मैं बिट्टू को समझा लूंगी, वो समझदार पुत्र है, मान भी जाएगी। मैं इसे जला देती हूँ। ठहरिए चाची, ये लीजिए, और इसमें जो बिट्टू की फोटो है ना उसे भी जला दीजिए ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। और फिर आप ही तो कहती है ना कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए पुत्र। तेरी तो कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं जा रही हूं, मुझे बहुत काम है। मानिए बात चाची, क्यों जलाई आपने वो फोटो जो बिट्टू की फोटो के साथ थी? इसलिए ना क्योंकि वहां उस बिट्टू की फोटो के साथ भाई की फोटो नहीं बल्कि किसी और की फोटो थी, और अगर वो मैं देख लेता तो उस झूठी का सच मेरे सामने आ जाता। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों बचा रही हैं उस बिट्टू को? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं पुत्र जी, और तू भी ना अपनी ये खामोखा की जासूसी बंद कर। प्लीज अब बहाने मत बनाइए चाची, जो सच है वो बताइए। पुत्र जी, यूं बार बार बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। और रही बात बिट्टू की, तो एक बार रोहन को होश में आ जाने दो, सच और झूठ का फैसला अपने आप हो जाएगा। और तब तक ऐसे ही चलने दूं मैं आप लोगों का ये झूठा खेल अपने परिवार के साथ? मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के मान के साथ। मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे इस घर और परिवार की मान की फिक्र है, लेकिन मुझे इन सब से ज्यादा इस घर इस परिवार के लोगों की फिक्र है, उन रिश्तों की फिक्र है जो ये परिवार भूलता जा रहा है। और एक बात, बिट्टू पुत्र जो भी है जैसे भी है, वो मेरी एक उम्मीद है इस घर को घर बनाए रखने के लिए। और मैं जब तक इस घर में हूं
अपनी उम्मीद को खोने नहीं दूंगी। पता नहीं क्या होगा, राज जी ने अब तक लॉकेट देख भी लिया होगा, पता नहीं सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पुत्र जी, चाची जी बताइए ना, क्या हुआ चाची जी बताइए। पुत्र जी, इस बार तो हम बच गए, राज के देखने से पहले ये लॉकेट मेरे हाथ लग गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है चाची जी। क्या हुआ चाची जी? नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। नहीं चाची जी, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। बताइए ना, राज जी ने कुछ कहा? नहीं नहीं पुत्र जी, इससे पहले तो राज को सिर्फ हम पे शक था, लेकिन अब तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि मैं उन लोगों से कुछ छिपा रही हूँ। और इसीलिए उनके मन में जो भी आया उन्होंने आपको कह दिया है ना? चाची जी, हम अभी जाकर उन्हें सच बता देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको या पापा जी को कुछ भी सुनना पड़े। हम आप ही जाकर सच बता देंगे। नहीं पुत्र जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुझे मेरी सौ। ओए पुत्र जी, मुझ में और उसमें तो चलता ही रहता है, वो भी ना परजाई जी की तरह थोड़ा जौकी है, जिद में तो बिल्कुल वो अपनी माँ पे गया है। तू ये सब छोड़ और इस लॉकेट को संभाल। सॉरी पुत्र जी, वो क्या है ना, मुझे उसकी फोटो जलानी पड़ गई। और कोई रास्ता भी नहीं था। कोई बात नहीं चाची जी, कोई बात नहीं। यादों को सहेजने के लिए निशानियों की जरूरत नहीं होती। अगर यादें जिंदा हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद वो खुद आपके सामने आ जाती है। तो मेरा बहादुर पुत्र है, आज मुझे रब से शिकायत करने को दिल कर रहा है। उन्होंने तुझे मेरी बेटी बना के क्यों नहीं पैदा किया? No ways. कल मैं कहीं नहीं जा सकती। कल मैंने क्लब के दो सीनियर मेंबर्स को घर पर बुलाया। क्यों अचानक? अरे ऐसे नहीं, उन लोगों को खुश करना है। इस बार तो क्लब की प्रेसिडेंट मैं ही बनकर रहूंगी, हारूंगी नहीं। बहुत इंतजार किया है मैंने इस मौके, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए क्लब की प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगी। वही काम ही नहीं, प्रेसिडेंट तो तुम्हें ही बनना चाहिए। यू डिजर्व इट, तुम्हारा इतना स्टेटस है और उतना ही रुतबा भी। पर वो लोग इलेक्शन से पहले तुम्हारे घर आने के लिए तैयार कैसे हो गए? वो लोग कहाँ आ रहे थे, पर मेरा नाम भी कामिनी कपूर है। थोड़ा सा इमोशनल होकर रोहन के एक्सीडेंट के बारे में बताया, बस मिलने के लिए तैयार हो गए। तुम तो बिल्कुल कमाल करती हो कामिनी। अच्छा मैं चलती।
ओके बाय बाय सी यू टेक केयर। जी मैडम आपने मेरे को बुलाया? हाँ तुम ये लिस्ट लो और मार्केट से जाकर सारा सामान ले आना। और हाँ सारा सामान संभाल कर ले आना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। है कि कोई खास मेहमान आने वाला है? वो क्या है ना भाभी, वो आप इतनी तैयारियां करने के लिए कह रही है ना, इसीलिए। इस घर में मेरे जो भी मेहमान आते हैं खास होते हैं, वो जिनकी सोसाइटी में इज्जत है, स्टेटस है। ऐ तो बिल्कुल सही गल है जी, आप तो मेहमान भी नाप तौल के और चुन के बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों वही लोग प्यार के बजाय पैसे से तौलते हैं। अब मेरा मतलब है कि जब खास मेहमान आ रहे हैं तो हम खास तैयारियां भी करेंगे, हम और बिट्टो मिलके कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, एक तो तुम्हें ही संभालना इतना मुश्किल है, ऊपर से वो गवार अगर तुम्हारे साथ मिल गई तो मैं तो इलेक्शन जीतने से पहले ही हार जाऊं। तुम प्लीज ध्यान देना कि वो गवार मेरे मेहमानों के सामने ना आए, इसलिए तुम मुझसे कल लेकर कहीं बाहर चली जा। मेरी बहू यहां से कहीं नहीं जाएगी। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने मेहमानों से कह दे कि यहां नहीं आए। और एक बात और, मेरी बहू किसी से मुंह नहीं छुपाएगी। चेहरा छुपाने की जरूरत उन लोगों को नहीं पड़ती जो पैसे से गरीब होते, बल्कि उन्हें पड़ती है जो सोच से, जो दिल से गरीब होते। भाई साहब आप भी ना कुछ भी बात का कुछ भी मतलब निकालते हैं। भाप जी का कहने का मतलब ये था कि मैं बिट्टो पुत्र को लेके कहीं शॉपिंग वॉपिंग को चली जाऊं, जब से बेचारी आई है घर पे ही तो बैठी है। क्यों भाप जी सही कह रहे हैं ना? कामली के दानों को चाहे कितना ही चाशनी में लपेट के तुमसे कहे, लेकिन लेकिन मैं जानता हूं बहू कि तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती, लेकिन बहू तुम उसकी बातों को बिल्कुल बुरा मत मानना। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ बहू। नहीं पापा जी, आप हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बड़ों के हाथ छोटों का आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, ना ही माफी मांगने के लिए। हम पराए हैं, फिर भी आप हमें अपनों से ज्यादा मानते हैं। बहू से ज्यादा आप हमें अपनी बेटी मानते हैं। फिर माँ जी और राज जी आपके अपने ही हैं, है ना? फिर इतनी दुई क्यों, उनसे इतनी नाराजगी क्यों? पापा जी इन दूरियों को खत्म कर दीजिए। देखा कितनी सही कह रही है हमारी बहू, नाराजगी से तो दूरियां बढ़ती है, हमें तो हंस के मुस्कुरा के साथ साथ रहना है। क्यों पुत्र जी? जी बेटा, और मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। वादा कीजिए। पक्का वादा। उस देहाती गौर की वजह से मुझे मेरे ही घर में सुनना पड़ रहा है। राज सही कह रहा था, सही कह रहा था कि ये सब पागल हो गए अपनी बहू के चक्कर में। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए आप गॉड को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मेरा मतलब है आज तक आप ही इस घर के भगवान थे, अब ऐसा क्या हो गया जो आप भगवान को याद कर रही हैं? तुम्हारे डियर भाई साहब का डियर बेटा रोहन घर में इतनी बड़ी मुसीबत ले आया है, उससे तो भगवान ही बचा सकता है।
पता नहीं किसकी नजर लग गई जो इस खूबसूरत से घर पर बिट्टो जैसा दाग लग गया। तुम नहीं जानते कितना एम्बेरस फील करती हूँ मैं उस गवार की वजह से। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। खैर अब दाग लगा तो लगा, उससे खराब बात यह है कि इस घर के लोग इस दाग को सर का ताज समझ रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शुक्र है कम से कम तुम तो मेरी तरह सोचते हो, नहीं तो मुझे तो लगा था कि मैं इस पूरे घर में अकेली हूँ। अरे ना ना, इस घर में एक आप ही तो समझदार हैं, और मेरे होते हुए आप ऐसा कभी मत सोचते। अब ये सारी टेंशन आप मुझ पर डालो, आप बस अपने क्लब के इलेक्शन पर ध्यान दो। एक बार आप प्रेसिडेंट बन जाओ फिर सोचते हैं आपके इस बिट्टो के बारे में। पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ घर पर बुलाकर कमिटी मेंबर्स को खुश करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक आदमी से बात की, काफी ऊंचा बंदा है, उठता बैठता है हमारे साथ। वो कह रहा था कि कुछ मेंबर्स को खरीदना होगा, उन्हें पैसे खिलाने होंगे। आपको क्या लगता है, पिछली बार आप ऐसे ही हार गई थी? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप यहां घर बुलाकर उन्हें खुश रखिए, मैं बाहर उनका पेट भरता हूं पैसों से। थैंक गॉड तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, अभी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इस वक्त पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रहा था कि... तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, पैसे मैं देती हूँ तुम्हें, ये लो। और समझिए आपका काम हो गया, आप बस जश्न की तैयारी कीजिए। नहीं बस थोड़ा सा बिजी था यार, एक तो भाई की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से रोज नई प्रॉब्लम्स। अबे तुझे तो पता ही है कि डैड और मेरे ख्यालात कभी आज तक मिले ही नहीं। मैं तेरे से बाद में बात करता हूं। डैड आप इस वक्त यहां? बस वैसे ही मेरी शिकायत हो रही थी। नहीं डैड बस मैं तो वो, तुम चाहो तो वो सारी शिकायतें मुझसे भी कर सकते हो, बल्कि उसके अलावा भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ और बातें हो जो तुम चाहते हो कि मुझसे कहनी हो वो भी कह सकते हो। नहीं नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आपको बुरा लगा हो तो। हाँ बेटा बुरा तो मुझे लगना ही चाहिए, क्योंकि कहीं तो कोई गलती जरूर हुई है मुझसे जो मैंने अपने पुत्र को ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं डैड, अब जो हो गया सो हो गया पुत्र। बेटा पहले एक दूसरे को हम लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की ना, अभी करेंगे, अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर तुम देखियो तो जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और दोस्त की, सारी शिकायतें मुझसे करियो, अपना एक दोस्त दोस्त समझ के अभी मुझको भी एक दोस्त मिल जाएगा। नहीं सॉरी डैड, अब मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनने की पूरी कोशिश करूंगा। चल गले लग जा, बहुत साल हो गए गले लगे हैं।
बात कर अपने दोस्त। अरे डैड अपना मोबाइल यहीं भूल गए। पहले से बेहतर है पापा जी। तो उसके साथ है ना पुत्र? बस मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में मेरा रोहन मुझसे बात करने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। अब सिर्फ तेरी वजह से बेटा मुझको एक नया दोस्त भी मिल गया। हाँ पुत्र, मुझे मुझे मेरा बेटा भी मिल गया तेरी वजह से। पापा जी, आपने राजजी से बात की? हाँ बेटा, आज तेरे कहने से ही इतनी हिम्मत आई कि मैं अपने बच्चे के पास जाके ये कह पाया कि मैं गलत था, और तेरी वजह से ये विश्वास है बेटा कि ये रोहन बहुत जल्दी लौट के हमारे पास आ जाएगा। देख, भगवान करे ऐसा। बिट्टू पुत्र जो भी है, जैसे भी है, वो मेरी एक उम्मीद है, इस घर को घर बनाए रखने के लिए। अरे संभल कर, चाय गिर जाएगी। ये लो, हम यहाँ सुबह सुबह हमारी भाभी से मिलने आए हैं और हमारी भाभी है कि उन्हें इस चाय की पड़ी है। अरे भाई, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें? एक काम करो, ये चाय हमारे बीच में आ रही है ना, इसे फटाफट पीकर खत्म करो, इसे भी तो पता चले हमारे बीच में आने का अंजाम क्या होता है। एक काम करते हैं, इस बार हम इस चाय को माफ कर देते हैं, बेचारी की पहली गलती जो है। लेकिन सुनो चाय, अगर अगली बार से तुम मेरे और मेरी भाभी के बीच में आई ना, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दिया। अच्छा भाभी जी की प्यारी ननन जी, हमें चाची जी को चाय देकर आना है, वरना ठंडी हो जाएगी ना। हम चाय चाहिए। चाची जी, चाची। हाँ
ये आप हो? हाँ? हम तो बेकार भी डर रहे थे, हाँ? लेकिन इतनी सुबह सुबह ये रूप बनाने की जरूरत क्या थी आपको? वो क्या है ना पुत्र जी, आज घर में कुछ स्पेशल लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि मैं भी थोड़ी सी बन ठन लूं, सोनी दिखूं। What nonsense! गार्डन की बजाय लाफिंग क्लब घर में ही शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे ये तो गवार है ही, लेकिन आप सब लोग क्यों पागलों की तरह गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? इतने दिनों बाद बहू की वजह से इस घर के अंदर हंसी गूंज रही है, लेकिन अफसोस तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं। अफसोस तो आपको होगा जब इसकी वजह से एक दिन इस घर के लोगों को बाहर वालों के सामने शर्मिंदा होकर रोना पड़ेगा। अरे डैड, आप सुबह सुबह रेडी हो गए और मॉम भी, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? इतना सौभाग्य कहाँ बेटा, मेरा वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था चेकअप के लिए, वहीं जा रहा हूँ। फिर सोचा आप रोहन के डॉक्टर से भी बात कर लूंगा। तुम्हारी माँ कहाँ जा रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं नहीं आ सकती। मेरा मतलब है मुझे आज कुछ जरूरी काम है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं घर पर। तुम्हारे गेस्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। डैड, अगर आप चाहें तो मैं चलता हूं आपके साथ। नहीं बेटा, तू अपने काम में निपटा। काम का क्या है डैड, काम तो होता ही रहेगा, पर अगर अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त परिवार के लिए ना निकाल सका तो किसी भी काम का कोई फायदा नहीं। ओए चल बता, चल तू चल, आजा। और विम्मी, तुम ऐसे बंदरिया बनकर यहाँ खड़ी रहोगी या जाकर वापस इंसान भी बनोगी? और तुमसे कह रही हूं मैं, मेरे मेहमानों के सामने अपना ये सास बहू का ड्रामा तो बिल्कुल मत करना, बल्कि उनके सामने तो आना ही मत। हो सके तो अपना चेहरा छुपाए कहीं बैठ जाना, समझी तुम? अफसोस तो आपको होगा जब इसकी वजह से एक दिन इस घर के लोगों को बाहर वालों के सामने शर्मिंदा होकर रोना पड़ेगा। पुत्र जी, परजाई जी की बातों को दिल से नहीं लगाते, बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नहीं चाची जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से माँ जी को बुरा लगे। अगर उन्होंने कहा है तो हमें उनके मेहमानों के सामने नहीं आना चाहिए। पहले ही उन्हें हमारी वजह से बाहर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन घर पे भी ऐसा हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए
हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से उन्हें और शर्मिंदा ना होना पड़े। हेलो मिसेस पांडे, हाउ आर यू मिसेस चड्डा? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, वेलकम वेलकम। चाची जी, ये लोग हवा में ऐसे क्या कर रहे हैं? शी, इन्हें शर्म नहीं आती? पुत्र जी, ये थोड़े ऊंचे लोगों की थोड़ी नीची बातें हैं। अब ये लोग हाथ तो जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये गरीब लगेंगे, थोड़े पुराने भी लगेंगे, एक दूसरे के गले भी नहीं मिल सकते हैं। इन्हें लगता है इनके कपड़ों की स्त्री भी खराब हो जाएगी, और ना ही एक दूसरे को छू सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये अंदर से बहुत ही मैले हैं, इसलिए बस हवा में पपिया सपिया करते रहते हैं और एक दूसरे को खुश कर देते हैं। हम कुछ समझे नहीं। अब इनके जैसे समझदार होने से तो अच्छा है तेरे जैसे ना समझ होना, समझी? अब चल, किचन में बहुत काम है, चल। अरे मिसेस चड्डा, आप तो कह रही थी ना कि आपका बेटा भी आने वाला है। हाँ हाँ, अभी आता ही होगा। मैंने तो इसे बहुत समझाया कि तुम्हारा हम औरतों के बीच में क्या काम, लेकिन ये है कि मानने को ही तैयार नहीं। वो क्या है ना, एक्चुअली इसने कभी किसी को कोमा में नहीं देखा, और इसे जैसे ही पता चला कि रोहन कोमा में है तो बस जिद करने लगा, मुझे रोहन को देखना है। आजकल के बच्चे भी ना, जू हो, म्यूजियम हो या कोई कोमा में हो, हर चीज जाननी है। वो तो है, न्यू जनरेशन। चिल मॉम, अब क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरिता, सेट को रोहन बाबा के कमरे में लेकर जाओ। आइए। थैंक यू। चलो, तब तक आप लोगों को मैं अपना घर दिखा दूं, उसके बाद लंच करेंगे। यही है रोहन बाबा का कमरा। ठीक है, तुम जाओ। जी। Hey, what's up, dude? What's up? I'm Sid. I'm Sid. अरे यार, तू तो सचमुच में चिल कर रहा है। कंप्लीट फ्रीज हो गया यार। नो वर्क, नो टेंशन एंड ऐश। व्हाट अ लाइफ। सिर्फ ऐश। व्हाट अ लाइफ मैन। हेलो, एनीबडी होम? हे विक अप ब्रो। हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रहा। हे हे, कूल देव, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे गाइड कर सकती हो। वी बोथ विल हैव फन। आप क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये कोई देखने या तमाशे वाली चीज नहीं है, समझे आप? ये तो एक जीते जागते इंसान है। व्हाट? जीता जागता इंसान? अरे मुझे तो लगता है इज डेड। अरे ये मर गया है। बंद करो बकवास, करो बकवास, करो बकवास। आप मां जी के मेहमान हैं, वरना वरना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान के साथ ऐसे बात करने की? What happened sir? कुछ नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ रोहन को देख रहा था, पर शायद मैडम को पसंद नहीं। इसकी औकात ही नहीं, इसके अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम करो तुम्हें जो करना है। लेकिन हाजी, तुमसे पूछा जाए तब तुम्हारा मुंह खोल। लेकिन ये है कौन जो इतना नौकरानी?
रोहन की देखभाल डैडी ने सिट बेटा, आप में देख लेना। ओके आंटी। Very fine. Oh, hi, sweetie. How are you? Meet my daughter, Rhea. Namaste, aunt. Namaste. Kamini? She's so simple. Kamini? ये तुम्हारी बेटी है, लगती ही नहीं. Actually, यह है ना बिल्कुल अपने पापा पर गई है, उनके सारे गुण इसी में आ गए हैं. मम्मी सुना नहीं तुम्हें? सब क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? सिट को देखो, उससे कुछ सीखो. एक्चुअली सिट तुम्हारी तरह रिया का भी कोई फ्रेंड होता तो शायद रिया में चेंज अपने आप आ जाता. एक्चुअली कोई और क्यों सर, तुम्हें क्यों नहीं रिया के फ्रेंड बन जाते? श्योर आंटी, व्हाई नॉट? तुम प्लीज इसे अपनी तरह बना दो, अपनी तरह एक हाई सोसाइटी में जीने का तरीका सिखा दो. रिया, तुम सर को अपना कमरा नहीं दिखाओगी? गो, मैं तुम दोनों का खाना कमरे में भिजवा देती हूँ. मॉम, लेकिन मैं सुना नहीं तुमने. सर प्लीज गो. श्योर. चाची जी, ये किसके लिए है? खाना तो बाहर लगा है ना आपने. पुत्र जी, ये उस अंग्रेज ने पुत्र दे वास्ते, पर जाई जी भी ना हद करती. रिया को आज के जमाने के ढंग सिखाने के लिए उस बंदर को रिया के कमरे में भेज दिया. बस उन दोनों के लिए खाना लगा. आप रहने दीजिए, ये मैं दे आती हूँ, ठीक है? आप बाहर संभालो. You know what? तुम्हारा रूम भी तुम्हारी तरह, not happening. I mean, बहुत सिंपल है. अरे तुम इतनी फालतू लाइफ जीती कैसे हो? Just look at you. You are so rich. और तुम हो भी कितनी खूबसूरत. तुम्हारी लाइफ तो रॉकी होनी चाहिए यार. हे, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? अरे एक बार आके देख के मैं किस तरह से जीता हूँ, कितना डैशिंग है सब कुछ कि पूछो मत. चले. इतनी जल्दी? सिड, तुम्हें मेरी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. मैं चेंज नहीं होना चाहती. मैं जैसी हूँ ठीक हूँ. नो बेब्स, अरे तुम जैसी भी हो ठीक नहीं हो, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ. देखो भी. अरे शुरू में सब स्ट्रेंज लगता है, पर बी कूल. ये सब तो आम बात. ये सारी बातें तुम्हारे लिए आम होंगी, मेरे लिए नहीं है. प्लीज लीव माय हैंड. अरे अगर तुमने बिना कुछ सिखाया तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी मॉम बुरा मान जाएगी, है ना? प्लीज लीव माय हैंड. अरे ऐसे कैसे छोड़ू? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार ये फिर से आ गई. नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे. खाना यहाँ रखो, जाए यहाँ से.
वरना आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा।